अगर आपको है साइटिका की परेशानी, या कंधे में दर्द, या जोड़ों में दर्द, या घुटनों में दर्द, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम, या फिर किसी भी तरह का कोई भी दर्द की प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी दर्द रहता हो जो आपके लिए बहुत ही सूटेबल है, अगर आप उसका 3 महीने तक कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। मैंने अब तक ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि अभी तक थोड़ी सी गर्मी थी और गर्मी में ये पाउडर लेना सही नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो है आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी साइटिका से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका समाधान लेकर के आई हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको कोई भी दर्द है, किसी भी दर्द की समस्या है, तो वो है वात रोग की वजह से। अब वात रोग को ख़त्म करने के लिए पहला उपाय तो आप क्या करेंगे कि आप अपना पेट साफ रखेंगे, यानी कि पेट में अगर कब्जी है तो आप पेट को साफ रखने के लिए चाहे आप कुछ भी कीजिए, कोई भी दवाई लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे कि आपका जो पेट है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अपना खान पान बदलना है क्योंकि दर्द के लिए वात सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होता है। और वात कब आता है, जब आप कोई भी ऐसी चीज़ खाएं जो कि आपके शरीर में वात पैदा करे, यानी कि बाय बाद की अगर आप चीज़ खाएंगे तो आपको वात से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है वो मैं बता देती हूँ। देखिए पहली मेथी, मेथी कितनी, 50 ग्राम। कौन सी मेथी, पीली मेथी जो आप अपनी किचन में यूज़ करते हैं। वही क्यों, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि सूजन और दर्द को ख़त्म करने के लिए बरसों पुराना फॉर्मूला है। आयुर्वेद में भी इसका जिक्र बार बार किया गया है कि यदि आप मेथी का प्रयोग दर्द में करते हैं तो आपका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सूजन अगर होती है तो वो सूजन भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। तो क्या लेंगे, 50 ग्राम मेथी लेंगे, 50 ग्राम आप सौंठ लेंगे, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर होता है वो लेंगे 50 ग्राम, और 50 ग्राम आप लेंगे हल्दी। हल्दी क्यों, हल्दी इसलिए, देखिए हल्दी कौन सी लेंगे, पिसी हुई हल्दी बिल्कुल भी ना लें, साबुत हल्दी लें, क्योंकि आप पिसी हुई हल्दी लेते हैं तो उससे क्या होता है, या तो देखिए आप कच्ची हल्दी लीजिए जो कि आपको पंसारी की दुकान पे या जहाँ से आप सब्जी खरीदते हैं वहाँ से मिल जाएगी। और अगर आप कच्ची हल्दी नहीं लेते हैं तो हल्दी की गांठ लीजिए जो कि साबुत हल्दी आती है। क्यों, क्योंकि जो पाउडर आता है हल्दी का बना हुआ उसमें कुछ भी ऐसा पदार्थ मिले हुए आते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से आराम नहीं मिलता है। तो इसलिए आप हल्दी का प्रयोग, साबुत हल्दी का प्रयोग कीजिए तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम मेथी और 50 ग्राम आपको सौंठ लेनी है। ये तीनों चीज़ ले लेंगे, तीनों चीज़ों को पीस कर बारीक पाउडर बना करके और एक जार में भर के रख दीजिए। और सुबह दूध के साथ खाना खाने के बाद 1/4 चम्मच लेनी है, और रात को भी खाना खाने के बाद दूध के साथ 1/4 चम्मच लेनी है। आपको कितना भी तेज दर्द हो, कितनी भी आपको सूजन की प्रॉब्लम हो, साइटिका की प्रॉब्लम हो, कमर दर्द हो, पैर दर्द हो, कोई भी दर्द हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपका दर्द जो है वो बहुत ही पुराना है और आप चाहते हैं कि इसका इलाज बहुत जल्दी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके साथ में वात विध्वंस, देखिए वात को ख़त्म करने के लिए ही मैं आपको ये टैबलेट बता रही हूँ, क्योंकि कोई भी जो दर्द होता है वो वात की समस्या की वजह से ही होता है। तो आप वात विध्वंस के नाम से टैबलेट आती हैं जिनको आप इस पाउडर को लेने के 10 मिनट बाद ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ही लेनी है। 2 टैबलेट सुबह लेनी है, 2 टैबलेट शाम को लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है। कहाँ मिलेगी ये, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिलेंगी जहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं।